कुरुक्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फतेहवीर एक 2.5 साल का नन्ना बच्चा जो कि पिछले दिनों बोरवेल में गिर गया था, किंतु बदकिस्मती से रेस्क्यू टीमें उसे नादान को बचाने में नाकाम रही। 5 दिन बाद बड़ी मशक्कत से जब फतेहवीर को बोरवेल से निकाल लिया गया था, तब फतेह का केवल शरीर बोरवेल से बाहर आया। फतेहवीर अपनी सांसें तोड़ चुका था। बिल्कुल एक ऐसा ही वाक्य साल 2006 में हरियाणा जिला कुरुक्षेत्र के हलदेहड़ी गांव में हुआ था, जिसमें प्रिंस नाम का 4 वर्ष का बच्चा 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था और रेस्क्यू टीमों ने संघर्ष करके 50 घंटे बाद प्रिंस को जिंदा निकाल लिया था। उस समय प्रिंस के साथ हुई यह घटना बहुत चर्चा में रही थी। आपको बता दें कि अब वही नन्ना प्रिंस 17 साल का हो चुका है और उस वक्त का प्रिंस आज अपनी माली हालात में जी रहा है। प्रिंस का कहना है कि उस वक्त बेशक सरकारों व संस्थाओं ने उसके लिए बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन घटना के बाद से उसे संभालने वाला कोई नहीं आया। 4 साल का वो बच्चा आज बड़ा हो गया है और अब प्रिंस सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ाई कर रहा है। प्रिंस ने आप बीती बताते हुए बताया कि उसके घर हालात आज नाजुक बनी हुई है। प्रिंस के पिता रामचंद्र दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार चला रहे हैं। हमने प्रिंस के गाँव व घर का दौरा किया और प्रिंस से जानी हकीकत अब तक की। 2006 के बाद सरकार बदली और हालात बदले, देखे प्रिंस ने क्या बताया, सुनिए। हमारे साथ प्रिंस है जो बोरवेल में गिरा था। जी प्रिंस जी, हम पूछना चाहेंगे आपसे, कब आप गिरे थे और कितने दिन उसके अंदर रहे थे? मैं जी 2006 में गिरा था जी, सातवें महीने 11 तारीख हो गया। तो कैसे आप उसमें गिरे? मैं जी दुकान पे चेक करते, दुकान से चोरी निकली जी और बोरी के अंदर घुस गई थी। बोरी जी बारिश में दो में बहुत गिरी पूरी जी, बस उसके मार लग गया जी। जैसे बोरी बोती पटरी पट गई थी, चल गया जी। मैं जी मैं अंदर गिर गया जी, तो मैं 3 दिन बाद बैठा जी। तो आपको क्या अंदर जैसे रहे आपको डर नहीं लगा? लगा तो अंदर कुछ कॉकरेज कुछ ऐसा? हाँ जी, कॉकरेज आए थे जी मेरे पास ऐसे जी, जिसको रेता जी ने जिता दी। तो क्या अब आपको जो सरकारें वादे किए थे आपके नौकरी के लिए, पैसों के लिए, कुछ आपकी मदद की है? ना जी, तक की तो कुछ नहीं की। तो फादर क्या काम करते? मजदूरी काम। तो आप क्या काम करते? मैं जड़ी हेल्प कर देते जी, खेती वगैरह में। तो क्या पढ़ाई अभी आपकी जारी है? हाँ जी, 10वीं। तो क्या आपका घर का गुजारा सही से नहीं चल रहा? देखिए यार प्रिंस भाई, हमारे साथ प्रिंस बता रहे हैं कि हमारा जो घर का गुजारा है वो सही नहीं चल रहा है और जो सरकारों ने और संस्थाओं ने वादे किए थे वो फैल कहीं ना कहीं फैल नजर आते हैं। कुरुक्षेत्र से दर्शन।